जिलाधिकारी कृष्णा करुनीस ने IGRS मामलों के निस्तारण पर बोलते हुए कहा कि जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए सभी अधिकारियों को अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए निर्देश दिया गया है, जिससे कि किसी कार्यालय में अगर कोई नागरिक आता है तो उसकी समस्या को सुन लिया जाए। सभी अधिकारियों का हमेशा लक्ष्य रहता है कि समस्याओं का तुरंत निस्तारण कर दिया जाए। कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो कि निस्तारण नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें न्यायालय का आदेश होता है। इसके अलावा अगर हमारे द्वारा प्रकरण का निस्तारण होता है तो उसका पूरा प्रयास किया जाएगा, अगर नहीं हो पाता है तो उसको बता दिया जाएगा कि किस जगह जाने से उसकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा, गांव की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए लेखपालों पंचायत सेक्रेटरी के समय को रोस्टर निर्धारित किया जाएगा, जिससे कि गाँव में ही बैठकर उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके तथा IGRS पर आए मामलों की हर हफ्ते समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, बेसिकली एक तो सभी अधिकारी लोग अपने कार्यालय में बैठेंगे, समय एटलीस्ट जो पब्लिक आए उनका ग्रीवांसेस रिड्रेस हो जाए, सुन लिया जाए, और अगर रिड्रेसेबल हो और विचार करने लायक हो तो 100% उसका रिजोल्यूशन मिलता है, ये हम लोग का ओपिनियन है। टाइम बाउंड वे में कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जिसका निस्तारण संभव नहीं होता है, क्योंकि माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश होता है, इस टाइप का आबादी का इशू होता है, उसमें अगर बात अगर मैटर सॉल्व होता है तो उस पर हम लोग प्रयास करेंगे, अदरवाइज एटलीस्ट उनको बता दिया जाएगा कि कौन सा फोरम है जहाँ से इस मैटर का निस्तारण किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग मैकेनिज्म बना रहे हैं कि गांव में लेखपालों का भी टाइम एक फिक्स कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी का भी टाइम और रोस्टर फिक्स कर रहे हैं, ताकि ये लोग गांव में ही बैठ के वहीं अगर समस्या सुन लेंगे तो जिस तरह से भीड़ उच्च अधिकारियों के यहाँ आती है इसमें थोड़ी सी कमी आएगी, और गुणवत्ता वाइज और क्वालिटी वाइज हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।